अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस मौसम में सन टैन जो है और जो आपकी स्किन बर्निंग है ये बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम देती है। और कुछ लोगों को इशू होता है कि उनकी स्किन जो है वो बहुत डार्क टोन में जा रही है। स्किन वाइटनिंग की एक सिंपल सी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें हमें वीट फ्लोर जो है वो 2 टीस्पून चाहिए होगा और 2 टीस्पून ही हमें योगर्ट चाहिए होगा। जो है आपको पता होगा कि योगर्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसमें हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर और एक जो हमें जो है छोटी सी कोई भी आप प्याली ले लें, कोई बाउल ले लें और जिसमें हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो जिसमें हम जो है जो आप वीट यूज़ करेंगे, कोशिश करें कि वो जो है आप उसको जो है बिल्कुल अच्छे से छान के और फिर उसको यूज़ करें। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून योगर्ट और साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें 2 टीस्पून वीट फ्लोर और हम इसको जो है ऐड करेंगे इसमें और ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा जी, अब इस पेस्ट को हम लोगों ने जो है बना लेना है और उसके बाद हमने चेक करना है कि पेस्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है पतला भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल हो कि जिसको हम फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें। और ये हमारा पेस्ट रेडी हो रहा है, इसको आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट है। आप जब इसे अप्लाई करेंगे उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और वैसे भी गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें वैसे तो पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम लोगों को स्किन की केयर भी करनी चाहिए। अच्छा, आप इसे ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो हैं मैं इसे हाथ के साथ अप्लाई करें और मैं इसको हाँ हैंड के साथ ही अप्लाई करूँगी। और ये मैं अपने हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ जी। बहुत अच्छे से आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। आपने अपने पूरे फेस को इससे कवर कर देना है, आपने अपने आईज़ के एरिया को जो है छोड़ देना है अपने हेड पे, अपने चेक्स पे और अच्छे से इसको जो है अप्लाई करना है। और अब ये मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसे छोड़ दूँगी 10 to 20 minutes के लिए। जब तक ये ड्राई नहीं होता उस टाइम तक मैं इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। और इसको ड्राई होने के बाद आपने जो है इसको वॉश करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जो है रब नहीं करना, आपने आराम से सिंपल इसको वॉश करना है पानी के साथ इसको। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। अब ये ड्राई हो चुका है, इसे अच्छे से वॉश करके और इसका रिज़ल्ट देखें। ये मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट आफ्टर 20 मिनट्स देखें। ये मेरे दोनों हाथों में से देखें, जिस पे मैंने अप्लाई किया था जिस हैंड पे उसका रिज़ल्ट और जिस पे मैंने अप्लाई नहीं किया था उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और अब हम इस पे वैसे अप्लाई करेंगे कुकेम्बर आइस क्यूब्स। कुकेम्बर आइस क्यूब्स बहुत इजीली हैं, आप अपने घर पे इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। कुकेम्बर को जो है आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और उसके बाद इसका एक पेस्ट बना के इसको आपने जो है डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। और जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं
जब आप बाहर से आते हैं, गर्मी से आते हैं, आप इसको फेस पे अप्लाई करें, उससे आपका फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है। और अब ये मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी जी। तो ये ड्राई हो गया है, अब ड्राई होने के बाद मैं इस पर अप्लाई करूँगी रोज़ वाटर। जी तो मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया है, अब ये रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद मुझे इसको 5 मिनट्स ड्राई करना है और देन इसका आप रिज़ल्ट चेक करें। माशाल्लाह, लुक एट दिस, ये इसका रिज़ल्ट है। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आप अपनी जो है वो राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।